नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त 2023 है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो आज मून के साउथ पोल पर शाम को लैंड करेगा। इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसरो ने शेड्यूल किया है 6:04 का टाइम जब चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो मून के फार साइड यानी कि साउथ पोल में जो है वो लैंड करेगा, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बनेगा जो कि मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुली कर पाया है। इससे पहले आपको पता होगा रशिया ने जो है कुछ ही दिन पहले मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की अपने लैंडर का, पर जो है वो क्रैश कर गया लैंडर लैंडिंग अटेम्प्ट करने से पहले। और हम आपको बता दें आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं। आप हमारे पीछे, मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए, अगर दूर आप वो एंटीना देख पा रहे हैं, जो एंटीना एक वाइट कलर का बड़ा सा एंटीना है, तो मैं आपको बता दूँ ये एंटीना जो है ये इसरो के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक एसेट है जो कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। मैं बता दूँ ये इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन है, और ग्राउंड स्टेशन है इनका, इसरो का जो स्ट्रैक नेटवर्क है उसका ग्राउंड स्टेशन है। अभी स्ट्रैक नेटवर्क क्या है? स्ट्रैक नेटवर्क का मतलब है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। आपको बता दें ये एक काफ़ी क्रूशियल नेटवर्क है जो कि इसरो ने डेवलप किया है। इस नेटवर्क के बिना जो है जो सैटेलाइट लॉन्चेस है, जो लॉन्च व्हीकल मिशन्स है, ये जो है पॉसिबल ही नहीं है इसरो के लिए करने के लिए। और ये जो नेटवर्क है ये टोटली एड करता है हर सैटेलाइट मिशन को, हर लॉन्च व्हीकल मिशन को, यहाँ तक कि जो चंद्रयान 1 है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो चंद्रयान 2 है, और अब चंद्रयान 3, इन सबको जो है यही ट्रैक नेटवर्क जो है वो सपोर्ट करता है। हम आपको बता दें इसके अलावा इसरो का एक डीप स्पेस नेटवर्क है, और उस डीप स्पेस नेटवर्क का भी एक पार्ट जो है ये ट्रैक नेटवर्क है। तो ये पोर्ट ब्लेयर में जो ये नेटवर्क है स्ट्रैक का, जो एक ग्राउंड स्टेशन है स्ट्रैक का, ये क्या है हम आपको बताते हैं। इसरो ने जो है इंडिया में और इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह ठीक इसी तरह के ग्राउंड स्टेशंस जो है वो एस्टैब्लिश किए हैं। ये ग्राउंड स्टेशंस जो है ये काफ़ी क्रूशियल है जो ट्रैकिंग सपोर्ट और कमांड देने के लिए सैटेलाइट को, जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जो लॉन्च व्हीकल मिशंस होते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनका टेलीमेट्री जो है वो जो है कलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उनको कमांड देने के लिए ये नेटवर्क जो है ये काफ़ी क्रूशियल है। हम आपको बता दें इस तरह के कई सारे ग्राउंड स्टेशन इसरो ने अलग अलग जगह जो है एस्टैब्लिश करे हैं, जिनमें से एक ये पोर्ट ब्लेयर का ग्राउंड स्टेशन है। तो ये ग्राउंड स्टेशन लोकेटेड है बेंगलुरु में, लखनऊ में, मॉरिशस में, श्रीहरिकोटा में, पोर्ट ब्लेयर में यानी कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, तिरुवनंतपुरम में, ब्रुनेई में, बायू में जो कि इंडोनेशिया में है, और इसके अलावा जो डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन है वो भी इसरो के पास है। अब ये डीप स्पेस नेटवर्क क्या है? अब ये जो स्टेशन है इसमें देख रहे हैं आप जो एंटीना है, ये एंटीना जो है इतना पावरफुल नहीं है कि ये जो है जब चांद के बगल चंद्रयान 3 पहुंच जाए, या इससे पहले जो मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने किया था या चंद्रयान 1 किया था, जब वो बहुत दूर चले जाता है अर्थ से, तो ये एंटीना इतना पावरफुल नहीं है कि उसको कमांड दे सके, उसको ट्रैक कर सके, उसका जो टेलीमेट्री है वो जो है जो क्रूशियल टेलीमेट्री है वो पहुँचा सके। तो ये डीप स्पेस नेटवर्क डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, जो कि हम आपको बता दें ये डीप स्पेस नेटवर्क जो है इसके जो एंटीनाज है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली जो है वो लोकेटेड है बयालू रामनगर कर्नाटका में। ये बैंगलोर से थोड़ा सा बाहर एक गांव है जहां पर ये डीप स्पेस नेटवर्क जो है उसके एंटीनाज लोकेटेड है, और इसमें जो है डीप स्पेस नेटवर्क में ये जो स्ट्रैक नेटवर्क है ये भी एक उसका एक पार्ट है। साथ ही साथ एक 18 मीटर का डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना है, और साथ में एक 32 मीटर का डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना है। जो ये 32 मीटर का डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना है इसने जो है हमारा चंद्रयान 1 मिशन को सपोर्ट किया, हमारा जो है चंद्रयान 2 मिशन को सपोर्ट किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी इसी ने सपोर्ट किया। जो भी कमांड्स जाता है अर्थ से जो भी वो सैटेलाइट है जो मून के अराउंड अभी ऑर्बिट कर रहा है, जो भी कमांड जाएगा वो इसी डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू जाएगा। ये काफ़ी पावरफुल एंटीना है जिसमें काफ़ी पावरफुल जो है एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, और इन एम्पलीफायर्स के थ्रू जो है कमांड भेजा जाता है और वो कमांड वहाँ पहुँचेगा। यानी कि आज जो चंद्रयान 3
6:04 में कहा जा रहा है लैंड करेगा, तो उसके लिए अभी कमांड जो है इसी डीप स्पेस नेटवर्क से भेजा जाएगा। तो डीप स्पेस नेटवर्क का जो ये एंटीनाज है ये काफ़ी पावरफुल है, और जो 32 मीटर का जो एंटीना है इसमें काफ़ी पावरफुल जो है एम्पलीफायर लगा है, जो कि जब यहाँ से सिग्नल भेजा जाएगा उसको लैंड करने के लिए, तो वो सिग्नल जो है वो मून के साइड में जो ऑर्बिट कर रहा है अभी चंद्रयान 3 उस तक सिग्नल पहुँचेगा और उसके बाद वो लैंड करेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसरो ने डेवलप किया है, इंक्लूडिंग जो ये पोर्ट ब्लेयर में जो ये इस्ट्रैक का एक ग्राउंड स्टेशन है, ये काफ़ी क्रूशियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इसरो का बहुत काम आता है, हमारी कंट्री का बहुत काम आता है। हर सैटेलाइट जो लॉन्च मिशंस है, हर जो लॉन्च व्हीकल मिशन है, सबका टेलीमेट्री ट्रांसमिट करना, टेलीमेट्री कलेक्ट करना, साथ ही साथ उनको ट्रैक करना, उनको कमांड भेजना, उन सब में इस तरह के जो इस्ट्रैक के ग्राउंड नेटवर्क्स है उनका काफ़ी ज़्यादा जो है क्रूशियल रोल होता है। और आप सबको बहुत प्राउड होना चाहिए कि इस तरह का एक ग्राउंड स्टेशन हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी है, जिसको जो है इसरो यूज़ करता है अपने हर एक मिशंस के लिए। तो चंद्रयान 3 आज मून के साउथ पोल में लैंड होने वाला है। इंडिया के लिए आज एक काफ़ी जो है एक्साइटिंग मूवमेंट होगा जब चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल में लैंड करेगा और इंडिया पहला कंट्री बन जाएगा जो कि मून के साउथ पोल में जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। साथ ही साथ जब लैंड करने के बाद जब चंद्रयान 3 का लैंडर नीचे लैंड करेगा और जब उसके अंदर से जो रोवर है वो रोवर बाहर निकलेगा और मून के सरफेस पे जब वो चलेगा, तो और भी बड़ा प्राउड मूवमेंट होगा इंडिया के लिए। ये एक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिशन है इंडिया के लिए। और अगला जो मिशन होगा गगनयान, जिसमें जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है मून पे जाकर लैंड करेंगे, वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिशन होगा। तो ये जो मिशन है वो गगनयान मिशन के लिए भी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है चंद्रयान 3 मिशन। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये इस्ट्रैक का ग्राउंड यहाँ पे स्टेशन है पोर्ट ब्लेयर में, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सब मिशंस में। तो आप सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी इस तरह का एक सेंटर जो है वो लोकेटेड है, जो कि इसरो के इस पूरे हर एक मिशन में जो है इसरो को सपोर्ट करता है। धन्यवाद।